नमस्कार। फिजियोलॉजी के इस नए टॉपिक में अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन्स के बारे में। इस इमेज में देखा जा सकता है आरबीसी के भीतर कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो आरबीसी के स्ट्रक्चर के भीतर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पड़े रहते हैं। इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ऑक्सीजन लंग से मिलते हैं, लंग से ऑक्सीजन आरबीसी को मिलते हैं और आरबीसी अपने हीमोग्लोबिन्स पर उन्हें चढ़ा लेता है। और ये देखिए, ऑक्सीजन ने बॉन्ड्स बना लिया, रिवर्सिबल बॉन्ड बना लिया हीमोग्लोबिन के साथ, और जहां टिश्यू सेल्स में जरूरत होगी वहां पर ये ऑक्सीजन रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है वह कुछ इस तरीके से होता है। आप देखें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि अल्फा बीटा ग्लोबुलिन चेन्स के बीच में हीमो मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस को दिखाया गया। आप देखें अल्फा चेन के भीतर एक हीम का मॉलिक्यूल है, ऐसे दूसरे अल्फा चेन के भीतर एक हीम का मॉलिक्यूल है, ऐसे ही दोनों बीटा चेन्स के भीतर, यहां अंदर छुपा पड़ा हुआ है बीटा चेन्स के भीतर एक हिम का मॉलिक्यूल और यहां पर भी हिम का मॉलिक्यूल बीटा चेन्स के भीतर। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन की संरचना बनाने में चार हिम के मॉलिक्यूल्स और चार ग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। यहां पर जो हिम होता है, हिम उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा जाए तो इसमें एक पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। यहां पर देखिए, ये है पोरफायरिन रिंग पाई जाती है हिम के पास, क्या पोरफायरिन रिंग। इसके सेंटर में Fe2+ आयन पाया जाता है, इसके सेंटर में Fe2+ आयन पाया जाता है। तो इस तरीके से हिम मॉलिक्यूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, जिसकी स्ट्रक्चर में पोरफायरिन रिंग पाया जाता है, उस रिंग के सेंटर में Fe2+ आयन होता है और ये हिम ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। आप इस इमेज में इस बात को देख सकते हैं, Fe2+ आयन की प्रेजेंस को। तो अब तक हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि यह हिम और ग्लोबिन के मिलने से बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन हिम और ग्लोबिन, जो कि हिम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। टोटल एक हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए चार हिम और चार ग्लोबिन पार्टिसिपेट करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया हिम किसका बना होता है, आयरन का बना हुआ प्रोटोपोरफायरिन 9 का यह बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। स्पष्ट है कि हिम के पास एक पोरफायरिन रिंग होती है जिसके भीतर Fe2+ आयन सेंटर में पाया जाता है। और पोरफायरिया एक प्रॉब्लम होती है, चूंकि यहां पोरफायरिन रिंग मैंने कहा तो ध्यान में रखना, पोरफायरिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हिम की इम्पेयर्ड सिंथेसिस होती है। पोरफायरिया होता क्या है? पोरफायरिया एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बायोसिंथेसिस हिम की जिन एंजाइम्स की मदद से होती है उनकी डिफिशियंसी हो जाती है। इसकी वजह से पोरफायरिन्स का एक्युमुलेशन होता है और उनका एक्सक्रीशन होने लगता है। न सिर्फ पोरफायरिन बल्कि पोरफायरिन के जो प्रिकर्सर्स होते हैं ALA या PBG, इनका भी, इनके लेवल भी बढ़ सकता है। तो यहां पर होगा क्या, एक्युमुलेशन एंड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिन्स एंड पोरफायरिन प्रिकर्सर्स। पोरफायरिया एग्जैक्टली नर्वस सिस्टम और स्किन को अफेक्ट करता है और यह प्रॉब्लम पेरेंट से बच्चों तक पहुंचता है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। पोरफायरिया दो तरीके का होता है, इसमें एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरियाज और हिपेटिक पोरफायरियाज। एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरियाज में एंजाइम की डिफिशियंसी बोन मैरो में होती है, जबकि हिपेटिक पोरफायरियाज में एंजाइम्स की डिफिशियंसी लीवर में होती है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं फिजियोलॉजी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हिम और ग्लोबिन अलग अलग किया। हिम के बारे में बात कर रहे हैं, पोरफायरिन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं और पोरफायरिन रिंग के सेंटर में Fe2+ आयन पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया एक हिम की स्ट्रक्चर के सेंटर में एक Fe2+ आयन। तो पूरी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चार हिम हैं, चार ग्लोबिन हैं। इसका मतलब ये हुआ चार Fe2+ आयन होगा, चार Fe2+ आयन इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में होंगे। और हम जानते हैं एक Fe2+ आयन एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इस तरीके से
दो ऑक्सीजन एटम को बाइंड करेगा, और ओवरऑल एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या कितने ऑक्सीजन एटम को बाइंड करेगा इसको भी समझ सकते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर 8 ऑक्सीजन एटम इस तरीके से ये बाइंड करते हैं। तो Fe2+ से Fe3+ में नहीं बदलना चाहिए। वास्तव में ऑक्सीजन कैरियरिंग कैपेसिटी तभी ठीक होती है जब Fe2+ आयन के रूप में ये पड़ा हुआ हो। अगर ये Fe2+ आयन से Fe3+ आयन में बदल जाएगा तो ये मेथ हीमोग्लोबिन कहलाने लगता है। तो Fe2+ से Fe3+ में बदलते ही नाम क्या हो जाएगा? Fe2+ से Fe3+ में बदलते ही इसका नाम मेथ हीमोग्लोबिन हो जाता है, और ऐसा ऑटो ऑक्सीडेशन की वजह से हो सकता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। एक्सोजिनस कंपाउंड जैसे नाइट्राइड्स भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। वापस लाने के लिए साइटोक्रोम B6 NADH पाथवे इसमें मदद करते हैं। इस तरीके से जब ये मेथ हीमोग्लोबिन बदलता है तो इसमें आयरन का फॉर्म 3+ हो जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 2+ होता है, और मेथ हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, या मेथ हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, उसमें Fe3+ यानी फेरिक फॉर्म में ये पाया जाता है, और इस वजह से ये प्रॉपर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी अब नहीं हो पाती है। तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है सामान्य, उसमें 4 Fe2+ आयन, 4 ग्लोबिन, है ना, हिम के इस पार्ट में 4 Fe2+ आयन। मेथ हीमोग्लोबिन में क्या होगा, इसमें 4 Fe3+ आयन और 4 ग्लोबिन होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक हिम और एक ग्लोबिन होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, एक हिम एक ग्लोबिन, यहां 4 हिम 4 ग्लोबिन, यहां भी 4 हिम 4 ग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन में एक हिम एक ग्लोबिन, और वो हिम फेरस फॉर्म में होता है, उसमें आयरन और एक ग्लोबिन होगा। तो आप एक अंतर कर सकते हैं, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। 1/4 इसमें हीमोग्लोबिन का कंस्टिट्यूएंट पाया जाएगा। मेथ हीमोग्लोबिन के होने की वजह से क्या क्या दिक्कत होगा, यहां पर देखें, ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से आयरन जो फॉर्म होता है फेरस फॉर्म, वो फेरिक फॉर्म में बदल जाता है। ये बात अभी हम लोगों ने समझा। मेथ हीमोग्लोबिन न सिर्फ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, मेथ हीमोग्लोबिन जब हो जाते हैं तो आयरन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी न सिर्फ डिक्रीज होती है, बल्कि अनअल्टर्ड हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो कुछ ज्यादा ही हो जाती है। ये आसानी से जिन ऑक्सीजन को पकड़े रहते हैं उनको छोड़ते नहीं है, बात समझ रहे हैं, तो खुद तो ऑक्सीजन ढोएगा नहीं, और जो ऑक्सीजन को ढो रहे हैं उनसे कहेगा कि आप डिलीवर ना करो। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और ओवरऑल ऑक्सीजन डिलीवरी इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसके कारण टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं यह हुआ क्यों, ऐसा फेरिक फॉर्म में बदलने की वजह से हुआ है। ध्यान रखना है, जैसे जैसे मेथ हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मायोग्लोबिन में, मसल्स में मायोग्लोबिन की वजह से होता है, मसल्स में मायोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे साइनोसिस जैसी कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया किस सिचुएशन डेवलप होती, क्यों होती है, ये चीज मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर रिड्यूस्ड कंडीशन हो जाएगा। साइनोसिस का मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप ऐसे कह सकते हैं ना कि अवेलेबल ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो कैरी भी कर रहे हैं वो ऑक्सीजन से टाइटली बाइंड हो जाते हैं, यही मैंने आपको बताया। तो साइनोसिस कब होता है, जब मेथ हीमोग्लोबिन की वैल्यू 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होने लगे, तो साइनोसिस के क्लियर कट फीचर्स आने लगते हैं, क्योंकि अपने तो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, और जो कैरी कर रहे हैं उनको भी मना करेगा कि आप ऑक्सीजन को ऐसे रिलीज मत करो। तो इस तरीके से रिलीज करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जो मेथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहे होते हैं, जिसके कारण साइनोसिस डेवलप हो जाता है। यहां पर मेथ हीमोग्लोबिन को, मेथ हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, मेथ हीमोग्लोबिन या मेथ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन को वापस कन्वर्ट करने के लिए मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज की जरूरत होती है, वो भी लिमिटेड अमाउंट में है, इसलिए वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ये वापस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिडक्टेज की जरूरत होती है, रिड्यूस करने की जरूरत होती है, वो है नहीं। नॉर्मल स्टेट में 1.5
परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन मेट हीमोग्लोबिन के स्टेट में हो सकता है। तो इसको ऐसे समझिए 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास तक हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होने लगा, समझ रहे, तो होगा क्या, ऐसा किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, सल्फोनामाइड्स या कंजेनाइटल डिफिशियंसी की वजह से या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे मामलों में साइनोसिस के फीचर्स आने लगेंगे।